अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, महाटिटी 2024 के लिए आज हम देखेंगे एक नज़रिया जो है आमोजिश का नज़रिया, यानी कि लर्निंग के बारे में जो बोले थे थॉर्नडाइक ने, तो उनका सही वो खता का नज़रिया। ये महाटिटी सीटेट के लिए तो इतना नहीं पूछा जाता, पर महाटिटी के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काम में आ जाएगा। तो हम देखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सही वो खता का नज़रिया। थॉर्नडाइक ने दिए थे इसे, मशहूर माहिर नफ्सियात जो अमेरिका के थे थॉर्नडाइक, उनकी जो किताब थी उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किए थे, सही वो खता का नज़रिया। उनका कहना था कि इंसान और दिगर जानदार गलतियां करके ही नई चीज़ों को सीखते हैं, और वो बार बार जब दोहराते हैं तो उनमें महारत हासिल हो जाती है। इस नज़रिए को गलतियां करो और सीखो कहा गया है, मतलब क्या कि बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करके ही सीखते हैं। गलती होती है लेकिन इससे सही रास्ता भी मिलता है, फिर गलती नहीं होती और ऐसे ही और इंसान ऐसे ही आगे बढ़ता चले जाता है और उसमें जो होने वाली गलतियां हैं वो कम होती चली जाती है। तो इसे ही उन्होंने सही और खता का नज़रिया कहा था। एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने बिल्ली पर, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या महाटीटी दे रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लेना, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ कि उन्होंने क्या किए थे। एक बिल्ली को पिंजरे में रख दिए थे, यहाँ पर मछली फूड उस फिश के तौर पे उन्होंने रखे थे जो उसके लिए, अब ये बिल्ली भूखी थी और यहाँ पिंजरे में बंद थी, यहाँ पर मछली थी जो फूड उन्होंने यूज़ किए थे उसके लिए फ़िश। अब ये बिल्ली अलग अलग हरकतें कर रही थी बाहर आने के लिए, जब उसे पता चल गया कि एक बटन पे उसे टच करना है और ये जो डोर है दरवाज़ा है ये खुल जाएगा और उसे ये खाना मिल जाएगा, तो ये बार बार ये चीज़ें करती गई और लास्ट में उसको जब पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या है, तो जो उसकी गैर ज़रूरी हरकतें थी वो ख़त्म हो गई और डायरेक्ट उसने वही चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम गलतियाँ करते हैं बाद में हम उसका तजज़िया कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम सही सॉल्यूशन पर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे, सही वो खता के नज़रिए के बेस पे कुछ चीज़ें जो बोले थे, वो जो एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे था उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसने की थी। बेचैनी और फजूल हरकतें बिल्ली कर रही थी, एंजाइटी प्लस वेस्टफुल बिहेवियर जो वो बता रही थी वो, और फजूल हरकत में रफ्ता रफ्ता कमी, यानी कि वो फिर हरकतें कम कर रही थी जब उसे महारत हासिल हो रही थी, तो रिडक्शन इन वेस्टफुल बिहेवियर, और नेक्स्ट मश्क के जरिए सही हल को पाना, रिडक्शन इन वेस्टफुल मूवमेंट। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिल्ली ने वही एक बार वही चीज़ करना शुरू की और वो वापस आने लगी। इसका मतलब हम गलतियाँ करते हैं फिर जब सही चीज़ पता होती है तो हम सॉल्यूशन पे चले जाते हैं और वो चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। इस बेस पे उन्होंने लर्निंग के लॉज बताए थे, यानी के सीखने के या अमले आमोजिश के उसूल बताए थे, ये आमोजिश है, आमोजिश के यानी के सीखने के कुछ उसूल बताए थे, वो ये है। फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, उसूल आमादगी, जब कोई शख्स ये महसूस करे कि वो किसी काम को करने या सीखने के लिए तैयार है तो वो उस काम को ज़्यादा इत्मीनान बख्श और कारकर्दगी या कारगर तरीके के साथ करता है। मतलब कि जब इंसान खुद चाहता है कि वो किसी काम को करना है उसे, या उसे उस चीज़ में दिलचस्पी होती है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को करता है, तो ये होता है उसूल आमादगी। यानी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए दिल से आमादा हो जाए, यानी कि अगर आमादा हम नहीं है तो फिर ज़हनी झुकाव या आमादगी दोनों भी वो चीज़ में नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है उसूल आमादगी की तालीमी अहमियत, के एक मौलिम कैसे इसे इस्तेमाल करेगा, तो मौलिम तलबा में तजस्सुस पैदा करके एक सवालात के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, खुश रंग या पुरकशिश तस्वीर चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करेगा और बच्चों को अपनी तदरीस के लिए या अपनी तदरीस की तरफ लाएगा। उसके अलावा अमली काम और खेल के मौके फराहम करके करेगा और तलबा के ताउन और मशहरों से भी वो अपने अमल को और कामयाब बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि मश्क का उसूल, किसी भी काम या
इल्म में महारत हासिल करने के लिए उस पर मश्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं करेंगे तो वो चीज़ जहन से जाती जाएंगी। तो नेक्स्ट उन्होंने जो बोले थे वो था मश्क का उसूल, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बच्चे हिसाब के मुख्तलिफ पहाड़ों को दोहराते हैं, अस्बाक में अल्फाज के हिज्जे करते हैं और इस तरह वो सीखने की तरफ जाते हैं। पहाड़े हो गिनती हो या अल्फाज मायने हो, मुतवातिर सीखने पर काफ़ी वक्त सर्फ करते हैं। अल्फाज के मफहूम और इस्तेमाल पर भी उनका बहुत सारा वक्त सर्फ होता है ताकि मायने अच्छी तरह समझ में आ जाए। मश्क ना करने से बच्चे की याददाश्त कमज़ोर होती जाएंगी, ज़ाहिर बात है वो भूलना शुरू हो जाएगा। और आम तौर पर मश्क की मुद्दत जितनी तवील होंगी उतनी ही कदर नुकसानदह होंगी। तो ये सही है कि अगर मश्क नहीं की जा रही है और बहुत तवील अरसे से नहीं की जा रही है तो वो नुकसानदह होंगी, क्योंकि वो महारत या सीखी हुई बात बच्चे भूलना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान के जहन में वही चीज़ बाकी रहती है जो इस्तेमाल में आती है। इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल की नफ्सियात जो उसूल मश्क के दो पहलू है, सीखे और भूल जाए, और ये चीज़ मुतवाजन चलती है। इंसान सीखता भी है और भूल भी जाता है, लेकिन सीखी हुई बात की मश्क करता है तो वो नहीं भूलता। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। इस बेस पर दो चीज़ें और उन्होंने बताए थे मश्क में, एक तो इस्तेमाल करना, नीचे यहाँ पर है, इस्तेमाल या मश्क के ज़रिए हम सीखते हैं या याद रखते हैं, या फिर अदम इस्तेमाल या मश्क की कमी या तर्क कर देने से हम हासिल शुदा चीज़ों को भूल जाते हैं। तो एक चीज़ और उन्होंने बोले थे, एक था इस्तेमाल और दूसरा था इसी का अपोजिट या मुतजाद, अदम इस्तेमाल। ये दो और चीज़ें, अब इसकी तालीमी अहमियत हम देखेंगे। मश्क के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, तो मौलिम जो भी मज़मून पढ़ा रहे हैं उन्होंने उसकी मश्क और इआदा तलबा को करवाना चाहिए, ये मौलिम की ज़िम्मेदारी है। हिसाब के लिए ज़्यादा मश्क और इआदा बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर, टाइपिंग वगैरह, ये सारी महारतें बच्चों में पैदा करने के लिए या उन मज़ामीन में बच्चों को बेहतर बनाने के लिए मौलिम का काम है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाए। अब नेक्स्ट जो चीज़ थी वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे की आमोजिश में, लर्निंग में बहुत ज़रूरी है ये उसूल तासीर। और ये दो तरह की होती है, एक मुस्बत और एक मनफी। जो तालीम तलबा में बेचैनी और ना खुशगवारी का एहसास पैदा करे वो पायदार और कम ना पायदार और कमज़ोर होती है, यानी कि वो तालीम जो बच्चों की दिलचस्पी को अपनी तरफ नहीं ला सकती है तो वो सही नहीं होंगी। इस किस्म के नतायज को उसूल तासीर कहते हैं। इस उसूल का ताल्लुक एहसास या जज्बाती कैफियत से होता है जो किसी तालीमी तजुर्बे के बाद पैदा होती है। अब ये क्या है कि अगर बच्चा दिलचस्पी ले रहा है किसी भी चीज़ में, अगर माहौल अच्छा है, दिलचस्पी बच्चे की आ रही है या माहौल है या जो मौलिम है वो बच्चों की नफ्सियात के हिसाब से अपनी तदरीस कर रहा है, तो बहुत अच्छे से बच्चे इत्मीनान बख्श होकर या बहुत खुशी के साथ वो तदरीस में या दर्स व तदरीस में हिस्सा लेंगे। मौलिम के साथ अगर वो बहुत अच्छे से बच्चा समझ रहा है मौलिम की बात को, या फिर मौलिम बच्चे को बहुत अच्छे अल्फाज में मोटिवेट करता है, उनको तरकीब देता है, उनको तहरीक देता है, तो मुस्बत वहाँ पर तासीर जाहिर होंगी। इसी का एक निगेटिव होगा मनफी, जो पनिशमेंट यानी कि सज़ा। अगर आप ये देते हैं, पनिशमेंट का इस्तेमाल करते, सज़ा देते या इस तरह से बोलते कि बच्चे बहुत दूर हो जाए या उनके जज्बात पे गलत असर पड़े, तो वो मनफी तासीर रहेंगी। मुस्बत तासीर तालिबे इल्मों में जवाबी अमल का रुझान मुस्तहकम करती है, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेंगी। तालिबे इल्म मुतासिर होकर तालीमी काम को दोहराता या बेहतर तरह से दोबारा अंजाम देता है। कब? जब उस पर सही मुस्बत असर होगा। तालिबे इल्म का इल्म बढ़ता है, लेकिन गलत जवाब पर उस्ताद की तरफ से अगर नापसंदगी का इजहार या तालिबे इल्म को सज़ा या जुर्माने का मौजिब करार दिया जाए तो उसके नतीजे में मनफी तासीर वजूद में आती है।
वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई हूँ कि टीचर पे डिपेंड है। टीचर अगर बहुत अच्छे से, टीचर का जो बात का तरीका है या टीचर जो बच्चे की नफसियात को समझता है और उस हिसाब से उसका बर्ताव है टीचर का बच्चे के साथ, तो उससे उस पर मुस्बत असर पड़ेगा, मुस्बत तासीर। और टीचर अगर ठीक से बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रहा, नफसियात का उसे इल्म नहीं है, तो फिर बच्चे पे गलत असर पड़ेगा अगर टीचर झिड़काता है या फिर सज़ा देता है बच्चे को। अब जो ये जो उसूल है इसकी तालीमी अहमियत क्या है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाबाश, बहुत खूब, उम्दा, बेहतर वगैरह कह देने से तलबा को बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत इत्मीनान हासिल करते हैं और आइंदा के लिए वो तैयार करते हैं ख़ुद को और आइंदा बेहतर जवाब देने की वो कोशिश करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। और अगर इसके अगेंस्ट टीचर करता है, बच्चे को झिड़काता है या सज़ा देता है या फिर तलबा को उस तरह से नहीं करता जो करना है मोटिवेट, तो बच्चे पे मनफी असर होता है। कभी न कभी तलबा को इनाम व इकराम से भी नवाजना चाहिए, लेकिन पूरी क्लास के साथ, ऐसे नहीं कि कुछ बच्चों के साथ आप कर रहे हैं, अगर सिर्फ कुछ बच्चों को करेंगे तो निगेटिव होगा। खुसूसन खेल में इनामात बच्चों की सलाहियत के इजाफे का बास बनते हैं। अगर आप बच्चे को इनाम दे रहे हैं और खेल के ज़रिए पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमने तीन चीज़ें देखें, उसूल आमादगी, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यानी कि उसूल तासीर, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मश्क का उसूल। तो ये तीन लॉज है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं महा टीटी में, असर इंस्टीट्यूट से महा टीटी 2024 के लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों की। IBPS पैटर्न के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 22 जनवरी से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होंगी। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ऑफलाइन के लिए यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। ऐड होने के लिए 22 से ये होगा और 21st जनवरी CTET एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।